स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल राम राम जी में। हरे कृष्णा राधे राधे। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है और पूर्णिमा तिथि हर महीने का आखिरी दिन होता है। इस दिन व्रत रखकर स्नान दान का और भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करने का और सत्यनारायण व्रत रखने का भी विधान है। भविष्य पुराण के अनुसार पूर्णिमा के दिन किसी तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान करने से सभी पाप मिट जाते हैं। पूर्णिमा के दिन पितरों का तर्पण करना भी बहुत शुभ माना जाता है और ज्योतिष शास्त्र में फाल्गुन महीने की पूर्णिमा तिथि का महत्व सबसे अधिक बताया गया है, क्योंकि इसी दिन होलिका दहन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन धन की देवी लक्ष्मी जी का भी प्राकट्य हुआ था। फाल्गुन महीने में ही चंद्रमा का भी जन्म हुआ था और पूर्णिमा पर चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहते हैं। ऐसे में पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्र देवता की पूजा करने से सभी प्रकार के मानसिक कष्ट भी दूर हो जाते हैं। चलिए आपको बताते हैं साल 2024 में फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत और स्नान दान किस दिन किया जाएगा और साल का पहला चंद्र ग्रहण भी इस बार फाल्गुन पूर्णिमा को लगने जा रहा है, तो ऐसे में ये चंद्र ग्रहण कब से कब तक रहेगा, ये भी आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं। इस बार पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 24 मार्च रविवार की सुबह 9:56 से और समाप्त होगी 25 मार्च सोमवार की दोपहर 12:30 पर। जब भी पूर्णिमा तिथि 2 दिन तक रहती है तो ऐसे में व्रत उस दिन रखना चाहिए जिस दिन रात को चंद्रोदय के समय पूर्णिमा तिथि भी विद्यमान हो। ऐसे में इस बार पूर्णिमा तिथि का व्रत रखा जाएगा 24 मार्च रविवार को और इसी दिन होलिका दहन भी किया जाएगा। उदया तिथि के अनुसार 25 मार्च सोमवार को पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा, क्योंकि इस दिन दोपहर के समय पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है। ऐसे में रात के समय चंद्र देवता की पूजा का शुभ मुहूर्त प्राप्त नहीं होगा और 25 मार्च सोमवार को ही रंगों का त्योहार होली भी मनाया जाएगा। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले लग जाता है और इस बार चंद्र ग्रहण है 25 मार्च को सुबह 10:23 से प्रारंभ होगा और दोपहर 3:02 पर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण जिस समय लगेगा उस समय हमारे देश में दिन का समय होगा। ऐसे में विदेशों में तो ये ग्रहण दिखाई देगा लेकिन हमारे देश में इस ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं होगा। चंद्र ग्रहण के बारे में और अधिक जानने के लिए हमारे चैनल पर आने वाली अपडेटेड वीडियो को आप जरूर देखिएगा। अब जानिए पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान वाले दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। 24 मार्च रविवार को यानी पूर्णिमा के व्रत वाले दिन सूर्योदय सुबह 6:30 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:35 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:54 से 5:42 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त जो कि दोपहर 12:08 से 12:57 तक रहेगा। इस मुहूर्त में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से या कथा करने से बहुत पुण्य मिलता है, ये बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है। किसी भी उपाय को करने के लिए सुबह या दोपहर के समय अपने आराध्य देवी देवता का ध्यान करने के लिए चंद्रोदय का समय इस दिन शाम 5:59 पर होगा, तो इस समय के बाद आप कभी भी चंद्र देवता की पूजा करके अपना उपवास खोल सकते हैं और राहुकाल का समय शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। अब जानिए 25 मार्च सोमवार के दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। तो इस दिन सूर्योदय सुबह 6:29 पर और सूर्यास्त शाम 6:36 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:53 से 5:41 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से 12:56 तक रहेगा। चंद्रोदय होगा शाम 6:48 पर और राहुकाल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करके गंगाजल से स्नान करने के बाद भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी भगवान कृष्ण के साथ ही अपने सभी आराध्य देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए और अपने पितरों के नाम से कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।
और आपके अपने चैनल राम राम जी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।